अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है आज ऑर्डर अनोरा। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है जो हम बीएस और बीएससी जूलॉजी क्लास से आज हम इसको देखेंगे। अच्छा भाई, अनोरा का लफ्जी मतलब है विदाउट टेल। ऐसे जानदार जिसके पास टेल नहीं होती वो इस ऑर्डर के अंदर मौजूद है। इसकी जो एग्जाम्पल है फ्रॉक्स और टॉट, ये आपको दोनों जो मेम्बर्स हैं ये आपको अनोरा ऑर्डर के अंदर नज़र आते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अगर देखा जाए तो 4,500 स्पीशीज आपको नज़र आती है इस ऑर्डर के अंदर। और इवन की इवन जो फैमिलीज के लिहाज से 30 फैमिलीज आपको ऑर्डर अनोरा के अंदर नज़र आती है। करैक्टर के लिहाज से जो अनोरा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो टेल लेस हैं। टेल तो उनके पास होती नहीं है। हाँ, हाइंड लिम्स होती हैं जो काफ़ी इलोंगेटेड होती हैं, जो कि जंपिंग और स्विमिंग के लिए बहुत कारामद होती हैं इनके लिए। इनके पास आइज भी होती हैं, लग्स भी होती है, और इवन के इनके जो ईयर है उसके पास एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं टिम्पेनियम मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनम इसके पास मौजूद होता है। वेल डेवलप्ड लेरेंस होती है, मतलब लेरेंस आपको पता, हमारी जो लेरेंस उनके पास एपिग्लोटस होता है, वास पैदा करने वाला आला। वो जो लेरेंस वाली नाली है इसके पास भी वेल डेवलप होती है। हाइंड लिम्स इसका मस्कुलर होता है, ये आपने कभी नहीं बोला। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा अनोरा के लिहाज से, इसके जो लास्ट वर्टिब्रे हैं जो कि 9 या फ्यूअर प्री सेकुलर वर्टिब्रे, या आप कह सकते हैं एंड 3 to 4 पोस्ट सेकुलर वर्टिब्रे। तो जो 3 to 4 पोस्ट सेकुलर और 9 से फ्यूअर प्री सेकुलर, ये आपस में फ्यूज होती हैं, आपस में फ्यूज होती हैं और रोड लाइक शक्ल बनाती है जिसको यूरो स्टाइल का नाम दिया जाता है। तो यूरो स्टाइल इनके पास होता है, मतलब कि रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है वर्टिब्रे के लास्ट के अंदर, जिसको हम यूरो स्टाइल का नाम देते हैं। ये अनोरा के मेंबर्स के पास मौजूद होता है। अगर देखा जाए, ये मैंने एक लार्वा बना दिया अनोरा का लार्वा, जैसे ओल्फैक्टरी पिट है, ये जो आपको छोटा सा डोनर है, ये ओल्फैक्टरी पिट है जो उसको स्मेलिंग में मदद देता है। ये आइज है, हॉर्नी जार्स होता है, मतलब जबड़ा ऐसा है जो कि चीर फाड़ कर देगा छोटे छोटे जानदारों का। ऑपरक्यूलम होता है, ऑपरक्यूलम जो कि इसके पास गिल्स हैं, इंटरनल गिल्स, उसकी जो कवरिंग होती है उसको ऑपरक्यूलम कहा जाता है। कुलेका मौजूद है, कुलेका का मतलब क्या, एक ऐसा पैसेज वे जहाँ से स्पर्म और एग गुजर के जाता है, वो कुलेका जो लास्ट ओपनिंग है वो इसके पास मौजूद है। हाइंड लिम्ब्स हैं, जंपिंग तैरने आगे पीछे जाने के लिए हाइंड लिम्ब्स मौजूद हैं। स्पाइकल्स होते हैं, ओपनिंग फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो स्पाइकल्स मौजूद हैं। तो ये है एक छोटा सा लार्वा मैंने बना दिया। फर्टिलाइजेशन के लिहाज से मैंने आपको बताना है कि इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और इसका जो एग और लार्वा होता है टिपिकली ये एक्वाटिक होता है, ये पानी के अंदर रहने वाला जानदार है, इसका लार्वा भी और इसका एग भी। इसका जो लार्वा स्टेज है, अगर उसका नाम दिया तो इसको टैडपोल कहते हैं, और टैडपोल का मतलब हैविंग वेल डेवलप्ड टेल्स, इसके पास वेल डेवलप्ड टेल्स होती है। यही लार्वा आगे मॉडिफाई होता है, और मॉडिफाई होने के बाद मेटामॉर्फोसिस करने के बाद यही लार्वा चेंज हो जाता है अडल्ट के अंदर। मतलब कि इसका जो लार्वा है वो आगे किस में चेंज होता है अडल्ट के अंदर, किसके जरिए से, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, मेटा का मतलब चेंज है, मॉर्फोसिस का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को चेंज करना, दे आर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो अनोरा का जो लार्वा है वो टेडपोल है, जिसके पास टेल होती है, मगर बाद में टेल ख़त्म हो जाती है जब अडल्ट आता है, तो दे आर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। लाइफ साइकिल के लिहाज से ये इसका एग मैस है, और एग मैस फर्टिलाइजेशन के बाद टैडपोल बनाएगा। टैडपोल वो होगा जिसके पास लेग्स होगी, लेग्स ख़त्म होगी तो इसका मतलब मेटामॉर्फोसिस होगी, तो यंग फ्रॉग बनेगा, और यंग फ्रॉग के बाद आगे अडल्ट फ्रॉग होगा और फिर मरेगा। तो ये लाइफ साइकिल है इसका पूरा खबर, जो मैंने आपके सामने बना दिया। इसकी जो बॉडी होती है अगर देखा जाए, वो अगर लैक लिम्स, उसके पास टांगे नहीं होंगे अंटिल नियर द एंड ऑफ द लार्वा एग्जिस्टेंस, वही मैंने बताया कि जैसे लार्वा की एंड स्टेज आती है मेटामॉर्फोसिस के बाद उसकी टांगे ख़त्म हो जाती हैं, और वो मेटामॉर्फोसिस करके लार्वा किसमें चेंज होता है, अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। यही जो लार्वा होता है ये हर्बीवेरियस होता है, वो घास भूस खाने वाला हर्बीवेरियस, और ये प्रोसेसिस करता है प्रोटीनियशियस फ्रूट, मतलब प्रोटीनियस फ्रूट कह रहा हूँ, खुराक फूड जो उनसे ये यूज़ करता है, प्रोटीनियस फूड को खाता है और हर्बीवेरियस होता है। और इसके पास एक छोटी सी बीक होती है इसके लार्वे के पास, जो कि फीडिंग के लिए बड़ी कारामद होती है, मतलब छोटी सी चोंच होती है तोते की तरह। तो ये जो मैंने आपको लेक्चर दिया ये अनोरा है। इसी तरह से अगर देखा जाए, अनोरा के दो मेंबर थे मैंने आपको बताया, एक का नाम फ्रॉग है और एक का नाम क्या था, टॉट था। फ्रॉग स्मूथ स्लाइमी स्किन, बड़े इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्मूथ स्लाइमी स्किन होती है। टॉट के पास वाटरी ड्राई स्किन होती है। फ्रॉग लीव करता है नियर और इन वाटर, करीब और पानी के अंदर। ये लीव करता है टॉट ऑन लैंड, ज़मीन को रहने वाला। नैरो बॉडी होता है फ्रॉग का, ब्रॉड बॉडी होता है टॉट का। टाइनी टीथ होते हैं, छोटे छोटे दांत होते हैं फ्रॉग के, नो टीथ, दांत नहीं होते टॉट के। लार्ज साइज होता है फ्रॉग का, स्मॉल साइज होता है टॉट का। लिम्स साइज आर
अनइक्वल, इसके साइज अनइक्वल होता है, मतलब हाइंड लिम्स और फोर लिम्स का साइज अनइक्वल होता है, लिम्स साइज आर इक्वल, टॉड का इक्वल होता है। ले एग्स इन क्लस्टर, ये गुच्छे की फॉर्म में अंडे देता है फ्रॉग, और ले एग्स इन चेन, जो चेन की फॉर्म में देता है वो टॉड होता है। जो परफॉर्म करता है जंपिंग, फ्रॉग जंप करता है, और जो परफॉर्म करता है वॉकिंग, जो चलने फिरने वगैरह जो होता है वो टॉड होता है। जो आप डाइसेक्शन करते हैं ना, जितने भी आप डाइसेक्शन करते हैं यहाँ पर कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वो टोड होता है, वो फ्रॉग नहीं होता, वो टोड होता है जो बड़ा सा लगे आप उसको डाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं इसके दिल, गुर्दा, फेफड़ा, वो सारा सारा टोड का देखते हैं, ना कि किसका बेटा, फ्रॉग का। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ये इसी तरह आपको सारे लेक्चर मिलते जाएंगे, सारी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं, जैसे मेमेलिया, बर्ड्स, और इसी तरह रेप्टिलिया भी कर दिया, अब एम्फीबियस है, उसके बाद इंशाल्लाह आगे फर्दर होती जाएंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।